हेलो गाइस, वेलकम टू सेलर चैट विद मन्नू। गाइस, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप सबके फेवरेट गोपी बहू यानी कि देवोलीना भट्टाचार्य के बारे में। आज के वीडियो में हम ऑलमोस्ट उनकी पूरी लाइफ को कवर करने वाले हैं और साथ ही साथ वो आपको बिग बॉस हाउस में भी दिखाई दे रही है, तो उनकी लाइफ से जुड़े और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें मैं आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो अगर आप भी फैन हैं देवोलीना भट्टाचार्य के, तो प्लीज इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिएगा। देवोलीना भट्टाचार्य का जन्म 22 अगस्त 1990 को असम में हुआ था। वो एक बंगाली ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करती हैं। जब वो बहुत छोटी थी तभी उनके फादर की डेथ हो गई थी और उसके बाद से उनकी फैमिली में उनकी मदर और उनका एक यंगर ब्रदर है। देवोलीना जब 6 साल की थी वो तभी से डांस सीखती आ रही है और वो एक ट्रेंड भरतनाट्यम की डांसर भी है। देवोलीना ने अपनी स्टडीज असम के ही गोधुला ब्राउन मेमोरी इंग्लिश हाई स्कूल से कंप्लीट की और उसके बाद उन्होंने कॉमर्स से ग्रेजुएशन किया। एंड आफ्टर दैट उन्होंने ज्वेलरी डिजाइनिंग का एक कोर्स किया जो कि उन्होंने न्यू दिल्ली से किया और उसके बाद उन्होंने एज अ ज्वेलरी डिजाइनर मुंबई में जॉब भी किया। वो बचपन से ही डांस में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड रही हैं और उन्होंने अपने करियर की शुरुआत भी डांस से ही की थी। उन्होंने डांस के सबसे पॉपुलर शो DID में ऑडिशन दिया था जिसमें वो सिलेक्ट भी हो गई थी और जजेस उनसे काफी ज्यादा इम्प्रेस भी हुए, बट आफ्टर सम राउंड्स देवोलीना उस शो से बाहर हो गई थी। पर देवोलीना ने हार नहीं मानी, उन्हें अपने करियर में बहुत कुछ करना था और वो एक फेमस एक्ट्रेस बनना चाहती थी। फिर वो अपनी माँ और अपने भाई के साथ मुंबई में ही शिफ्ट हो गई और वहाँ से उन्होंने शुरू किया अपना हार्ड वर्क। देवोलीना ने अपनी एक्टिंग की जर्नी सवारे सबके सपने प्रीतो टीवी सीरियल से की थी जिसमें उन्होंने बानी का रोल प्ले किया था। देवोलीना उस शो में तो कुछ खास कमाल नहीं कर पाई थी गाइस और वो शो कुछ ज्यादा फेमस भी नहीं हुआ था और उसमें उन्हें लीड रोल भी नहीं मिला था। उसके बाद देवोलीना की किस्मत जैसे बदल ही गई हो। स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो साथ निभाना साथिया की लीड एक्ट्रेस जिया माने किन्ही रीजन्स की वजह से शो से निकाल दी गई थी। फिर रातों रात शो के मेकर्स को शो के लिए नई गोपी को कास्ट करना था। उनके जहन में ख्याल आया देवोलीना भट्टाचार्य का। फिर देवोलीना भट्टाचार्य बन गई नई गोपी और गोपी के कैरेक्टर से उन्हें बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली गाइस। इवन सब उनको गोपी बहू के नाम से ही जानते हैं और उनकी जो छवि है वो एक इंडियन और संस्कारी बहू की बनी हुई है। स्क्रीन पर देवोलीना भट्टाचार्य की लाइफ जितनी स्मूथ दिखाई देती है, रियल लाइफ में उतनी भी स्मूथ नहीं है। जी हाँ गाइस, उनको काफी सारी कॉन्ट्रोवर्सीज का सामना भी करना पड़ा है। उनमें से कुछ तो उनके शो के सेट से ही जुड़ी हुई हैं। और अभी कुछ टाइम पहले ही उनका नेम एक मर्डर मिस्ट्री में भी आया था जिसमें उनसे कई बार पूछताछ भी की गई थी, पर बहुत जल्दी उन्हें क्लीन चिट भी मिल गई थी। देवोलीना भट्टाचार्य के अफेयर की खबरें उनके को स्टार विशाल सिंह के साथ काफी बार आती रही हैं, पर ये सब बातें इन दोनों के हिसाब से र्यूमर्स हैं। और फिलहाल देवोलीना दिखाई दे रही हैं बिग बॉस के सीजन 13 में बहू बनी बेब के रोल में। जी हाँ गाइस, देवोलीना कहीं ना कहीं अपनी बहू वाली छवि को तोड़ना चाहती थी जिस वजह से उन्होंने बिग बॉस हाउस में एंट्री की है और पब्लिक के कम वोट्स की वजह से वो एक बार घर से बेघर भी हो चुकी है। उन्होंने अभी हाल ही में शो में वापस से एंट्री की है। तो गाइस, आपको क्या लगता है देवोलीना भट्टाचार्य की जर्नी कितनी लंबी होगी बिग बॉस के हाउस में और वो कैसा कर रही हैं शो के अंदर? आपको क्या लगता है, आप सबकी फेवरेट गोपी बहू बिग बॉस सीजन 13 का टाइटल जीत सकती है या नहीं? आप प्लीज अपनी राय कमेंट्स के जरिए मुझ तक जरूर पहुंचाइएगा। यही कुछ इन्फॉर्मेशन थी आप सबकी फेवरेट देवोलीना भट्टाचार्य के बारे में जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस, प्रेस द बेल आइकन फॉर नेवर मिस एनी अपडेट। अब मैं मिलूंगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, बी हैप्पी, लव यू ऑल।